हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेनली पीरियोडिक टेबल तक पढ़ा था, याद है? रिवीजन करके आए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, उसी के को हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था क्या, इसकी क्या क्या खासियत है। और जब हम मेंडलीफ पढ़ रहे थे वहाँ पर भी आपको मैं काफ़ी सारा कंफ्यूजन बताया था कि मेंडलीफ से मॉडर्न पे कैसे जाना है, क्योंकि फाइनल कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ना था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही अपने को पढ़ना है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? लेबोसियर क्लासिफिकेशन से। लेबोसियर से क्या पढ़ा? प्राउस। प्राउस के बाद क्या आया? डोवीरियन ट्राइड। डोवीरियन के बाद क्या आया? न्यूलैंड ऑक्टेव आया। फिर क्या आया? लोथर मेयर कर्व आया। फिर क्या आया? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आया। मेंडलीफ पे ही हमने काफ़ी रुक करके काफ़ी कुछ देखा था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या थी? 63 एलिमेंट नोन थे मेंडलीफ के टाइम में ना। ग्रुप एंड पीरियड की बात सबसे पहले किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। मेंडलीफ के टाइम में टोटल कितने पीरियड थे? 7। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। और मैंने जब मेंडलीफ पढ़ाया था तो आपको बताया भी था कि इस 8 से 18 तक हम लोग कैसे जाएंगे। बोलो हाँ है ना। सबसे पहले ग्रुप और पीरियड की बात, टेबलर फॉर्म में मेंडलीफ ने ही एलिमेंट को क्या किया था? अरेंज किया था। हाँ, मेंडलीफ के टाइम में सिर्फ नोबल गैस नहीं थे, लेकिन पीरियोडिसिटी वगैरह मेंडलीफ के टाइम में आ गया था। ये अलग बात है कि मेंडलीफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बट पीरियोडिसिटी मेंडलीफ के टाइम में ही आ गया था। हाँ या ना। फिर उसी पे स्टार्ट करते हैं। मेंडलीफ के और मॉडर्न में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि मेंडलीफ के टाइम में जो पीरियोडिक फंक्शन था वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। अब ये बात आई कहाँ से? तो ये बात आई, एक साइंटिस्ट थे, एक लोग थे जिनका नाम था मोसले। पक्की बात। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक सबसे पहला एक कंट्रीब्यूशन किनका था? मोसले का था। अब ये नाम तुम कहाँ सुनोगे मैं बता देता हूँ, ये नाम तुम सुनोगे फिजिक्स में। फिजिक्स में जब क्लास 12 में तुम एक टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, ये तुमको कहाँ पे आएगा? क्लास 12 में। लेकिन तुमको क्लास 12 तक रुकना नहीं, मैं तुमको आज ही बता देता हूँ। वहाँ पे मोसले ने एक्सरे डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? एक्सरे। जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो एक्सरे ही निकालते हो ना, तो एक्सरे डिस्कवर किया था। और जब उन्होंने एक्सरे डिस्कवर किया था तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट आई थी कि जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट। पक्की बात। अब जब तुमको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था, ध्यान से देख, मैं किधर देख बेटा, जब मैं तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जो किसी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया था कि एक मेटल शीट लिया था, ध्यान से देखना एक्सरे कैसे डिस्कवर हुआ था। इन्होंने क्या लिया था? मेटल शीट लिया था। और इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को लिया था। और अगर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर ये मेटल शीट से कोलाइड करेगा तो सबसे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? अगर मान लो मैं दौड़ता हुआ जाऊँ और इस वॉल से टकरा जाऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरी वेलोसिटी क्या होगी? जस्ट वॉल से टकराने से पहले। और वॉल से टकराने के बाद क्या होगा? मैं रुक जाऊँगा, मैं रुकूँगा नहीं रुकूँगा। अगर मैं भाग करके इस वॉल से टकराने वाला हूँ, ध्यान से समझना, तो मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी है। और जब मैं उस वॉल से टकरा गया तो क्या होगा? वेलोसिटी कम हो गया। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ गया? क्योंकि एनर्जी तो लॉस होगी नहीं ना, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होगी नहीं, वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस से टकराने वाला होगा तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ध्यान से समझना, वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो रुक जाएगा। अरे मान लो इस पेन को मैं थ्रो कर दूँ तो वॉल्स टकरा के जमीन कहाँ गया? फर्स्ट पे आ जाएगा ये पेन, आएगा नहीं आएगा? तो अभी जब इसको फेंक रहा हूँ तो कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहा हूँ ना। अरे मास से वेलोसिटी है तो क्रॉसपॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये जमीन पे गिर जाएगा तो एनर्जी कितना होगी? जीरो। तो ये एनर्जी कहाँ हुआ? एनर्जी ट्रांसफर किया होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से कोलाइड कर रहा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी जीरो। और जस्ट कोलिजन से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी भी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में? ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब ये मेटल सरफेस से टकराते हैं ना तो इसकी जो एनर्जी का लॉस होता है किसके फॉर्म में बेटा? और इसी वेव को हम लोग बोलते हैं एक्सरे। बोलो है ना।
अब ये एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी होगी। और उन्होंने क्या किया कि जब ये इन्होंने अलग अलग मेटल लिया, ये जो है ये क्या है, मेटल सरफेस है। तो जब इन्होंने अलग अलग मेटल सरफेस लिया तो ये मिलने वाले एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो रही थी। क्या हो रही थी, अलग अलग हो रही थी। और उन्होंने देखा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब यहां पे दो चीजें हो सकती है। अब मान लो ये जो मेटल सरफेस है जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, अब मैं क्या करूं, अलग अलग मेटल ले लूं, जैसे कार्बन 14 ले लूं, कार्बन 12 ले लूं। जैसे कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं ना, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अगर मैं दोनों कार्बन लेता हूं तो उसके एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं एक ही एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म ले रहा हूं तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं। दैट मीन्स जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हो एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं अलग अलग मेटल लेता हूं तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो तुम खुद समझो कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे किस पे डिपेंड कर रही है, मेटल पे। और मेटल चेंज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा होगा। और यहीं से मोस्टली को एक कॉन्सेप्ट मिला था कि जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा भूमिका किनका था, मोस्टली यही आ गया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे पहला एक जोरदार सपोर्ट मोस्टली के थ्रू किसको मिला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या मेरी बात समझ में आई, एक्सरे वाला फंडा समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। फिर कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन किस पे, एटॉमिक नंबर। अभी यही तो बात तो मोस्टली ने समझाया। फिर क्या था जो मैं तुमको पहले पढ़ाया कि मोस्टली डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच बम्बार्डेड हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेंड एक्सरे। यही बात को तुम्हें तुमको डायग्राम बना के समझाया हूं। और ही फाउंड कि स्क्वायर रूट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एटॉमिक नंबर। और यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक सबसे बड़ा बेस मिला भी था, पक्की बात। और इनके एक्सपेरिमेंट से ये चीज कंक्लूड आ गया था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा किसके, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को। उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कभी ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो तुम क्या कहोगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। और व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का रिपीट होना किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत समझ में आए मोस्टली का क्या कंट्रीब्यूशन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तुम्हारा क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो एटॉमिक नंबर पे कैसे बेस्ड है, ये एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। ये दूसरा एलिमेंट क्या है, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। वापस से तीसरा एलिमेंट क्या है, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो एटॉमिक नंबर रिपीट हुआ, लिथियम किसके नीचे आया, तो हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं क्या होगी, सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फिर क्या आ गया, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, नियन 10। अब ध्यान से आ जाओ, सोडियम, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, अलग अलग होगी, सेम होगी। और अगर कोई एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। तो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई, वापस से लिथियम के नीचे क्या आ गया, सोडियम आ गया। अब यही तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको मैं जितनी बार समझाऊं यही तुमको पढ़ना भी है, मैं तुमको ध्यान से समझाता हूँ। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग मेंडलीफ के टर्म से देखते हैं कितने ग्रुप कितने पीरियड है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करोगे, ध्यान से देख लेता हूँ, ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं 18, एंड पीरियड कितने होते हैं। अब जितनी बात मैं तुमको बोलता हूँ आज कल इसी आज यही पढ़ना ही है। अगर मैं इसके पीरियड को लिखूँ तो टोटल पीरियड कितने होंगे, 7। ध्यान से देखना, इसको मैं P1 लिख सकता हूँ, इसको मैं P2 लिख सकता हूँ, P2 मतलब पीरियड 2, इसको मैं P3 लिख दूँ, इसको मैं P4 लिखूँ, इसको मैं P5, P6, P7। बोलो भाई ना, तो टोटल 7 पीरियड है। पी को पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, मतलब पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
टोटल कितने पीरियड है? 7. अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप देखना, इसको क्या बोलते हैं? 1, कौन सा बेटा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18. मेंडली पीरियड टेबल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल 8 ही ग्रुप थे, और तुमको याद भी होगा 1 to 7 को हमने ए में किया था, 1 to 7 को बी में किया था. जो 8 थे तो 8B में टोटल 3 ग्रुप थे, और 8A जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं जिसमें इनर्ट गैस आएगा, वो मेंडलीव के टाइम में डिस्कवर ही नहीं थे. लेकिन अभी 1 to 18 हम लोग लिखते हैं, जो टोटल ग्रुप हैं वो अकॉर्डिंग टू IUPAC लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमिनेचर सिस्टम लिखते हैं कि टोटल 1 to 18 ग्रुप हैं. बोलो हाँ है ना. अब इस ग्रुप में तुम देखो क्या क्या होता है. अब इस केस में देखो, जो ग्रुप 1 and 2 है, ग्रुप 1 and 2 है, आगे जाके अपने को पढ़ना है ना. और यहाँ से देख लो, ग्रुप 13 to 18 है, यहाँ से ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट है ना. जो ग्रुप 13 से 18 एलिमेंट है, ए और बी के अकॉर्डिंग करोगे तो ये ए सब ग्रुप का पार्ट है, और 1 और 2 जो ग्रुप है ये भी ए सब ग्रुप का पार्ट है, और जो ग्रुप 3 से लेके 12 तक है ये बी सब ग्रुप का पार्ट है. क्योंकि मेंडलीफ के 1 to 7 को जब हमने ए और बी में क्लासिफाई किया था तो ए ग्रुप को हमने नॉर्मल एलिमेंट कहा था, और बी ग्रुप को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था. बी ग्रुप को हमने क्या कहा था? तो ये भी नॉर्मल एलिमेंट का पार्ट है, ये भी नॉर्मल एलिमेंट का पार्ट है, ये किसका पार्ट है? ट्रांजिशन एलिमेंट का. अब हम लोग यहाँ पे इसको अगर नाम देंगे, इस एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, मान लो तुम मन में कोई एक एलिमेंट सोडियम या मैग्नीशियम, बोलो है ना. देखो तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, सॉरी, एक एलिमेंट तुमने लिया सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख 1s2 2s2 2p6 3s1. आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? नहीं, बार बार बोलता हूँ, sp d n f, डी जार और बाइटल. ऑर्बिट कौन सा है? तुम कहोगे n की वैल्यू ऑर्बिट देती है. अगर तुम इसको लोगे ना बेटा, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3, और l की वैल्यू कितनी है? 0. तो ऑर्बिट तुम्हारा n की वैल्यू देती है, और ये क्या देता है? और बाइटल या सबसे. तो कभी मैं पूछूं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऐसा मत बोलना एस, कौन सा है? 3rd. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक. पक्की बात. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वही ग्रुप नंबर होता है, आज से याद रखना. क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यही क्या होगा? ग्रुप नंबर. क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? देखो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10. सोडियम में कितने एलिमेंट है? 11. 11 है. सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11. जो 11वां है इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जा रहा है? किस ऑर्बिटल में? तो हमेशा आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा ना वही उसका ब्लॉक हो जाता है, वही उसका क्या होगा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3s में. S में जा रहा है ना. तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा? तो हमेशा आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा ना वही बताएगा कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है. बोलो है ना. अब एक पेज पहले आकर के तुम देख लो. देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में गया था? S. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? तुम क्या करो, यहां से उठा करके कोई भी एक एलिमेंट ले लो. जैसे मान लो मैंने फॉस्फोरस ले लिया. क्या ले लिया? फॉस्फोरस. फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15. ध्यान से देखना, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, नियंटेन, तुमको एक और चीज में दिखाता हूं, ध्यान से देखना पहले. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने पहले, फास्फोरस किस पीरियड का एलिमेंट है? यहां से देख लो, P3. और इसी का एलिमेंट है ना, देख बेटा किसका एलिमेंट है? P3 का है. पक्की बात. तो अब वैसे भी सोच, थर्ड पीरियड में एलिमेंट तभी आएगा ना जब सेकेंड पीरियड फुलफिल्ड होगा. अरे बोलो ना, हाई ना. तो सेकेंड पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है? बोलो है ना. ध्यान से देखना, पहला पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड हीलियम. दूसरा पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लिथियम से. खत्म कहाँ हो रहा है? तीसरा पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? सोडियम. खत्म कहाँ हो रहा है? आर्गन. देखने वाली बात क्या है कि थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन तभी आएगा ना जब नियंत्रक फुलफिल होगा. बोलो है ना.
तो थर्ड पीरियड स्टार्ट भी एटॉमिक नंबर किससे होता है, 11 से, तो 10 तक तो कहाँ जाएगा सेकेंड पीरियड में, तो उतना क्यों लिखे, इसलिए मैंने कहा कि चलो एक लाइन टाइम बचा लेते हैं। तो नियन कितना हो गया, अब ये किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड सबसे पहले आता क्या है, एस, बोलो ना, है ना, नहीं है तो ध्यान से देख लो, वन में सिर्फ क्या था एस, टू में क्या था टू एस एन टू पी, फिर क्या आता है, पक्की बात, ध्यान से देख लो, चलो थ्री डी ले लो, फिर क्या जाएगा, फोर एस फोर पी, लेकिन इसके बीच में आता है थ्री डी, एनर्जी वाइज देखोगे तो, क्योंकि 3D की एनर्जी 4P से क्या है कम, तो 4D 3D आता तो थर्ड पीरियड में है, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन फोर्थ से जाते हैं, बोलो ना, हाँ या ना, तो यहाँ खत्म हो गया, तो सबसे पहले S से ये स्टार्ट होगा ना, तो क्या स्टार्ट होगा, 3s 2, बाकी कितना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है इसमें, मैं बार बार बोलता हूँ कि sp जो बोलते हो ऑर्बिटल है, ऑर्बिट n के लिए थर्ड, तो 3s या 3p आउटर मोस्ट कौन सा होगा, 3s या 3p, तुम कहोगे दोनों आउटर मोस्ट का ही पार्ट है, दोनों, बोलो ना, है ना। अरे मान लो कोई बच्चा क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पे या सेकंड बेंच पे है, तो क्या कहोगे, वो क्लासरूम में नहीं है क्या, फर्स्ट या सेकंड में दोनों क्लासरूम का ही पार्ट है ना, तो एस या पी दोनों किस ऑर्बिट का पार्ट है, थर्ड, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, थर्ड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, तो देखो ये फास्फोरस ग्रुप 5 के एलिमेंट है, 5A के एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी में, तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वही उसका क्या होगा, ब्लॉक एलिमेंट, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये जो एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक है जो येल्लो कलर से है इसको क्या बोलते हैं, और ये जो एलिमेंट नीचे में है उसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक, पक्की बात, और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4F और इसको क्या बोलते हैं 5F, अगर नाम देखोगे तो इसको बोलते हैं क्यों लेंथनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं, तो ये जो एटॉमिक नंबर है कौन कौन सा, 57 और 89, 57 पे जो एलिमेंट है उसका नाम है लेंथेनम, और 89 पे जो एलिमेंट उसका नाम है एक्टिनम, और चूंकि ये स्टार्ट लेंथेनम एटम से होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, और चूंकि ये एक्टिनाइड एक्टिनम एटम से होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थर्ड बी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे, थर्ड बी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, पक्की बात। अब ये जो डी एलिमेंट है हमने कल कहा था इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, क्योंकि ये एस एंड पी के बीच में, लेकिन ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहाँ है, ये ट्रांजिशन के बीच में है इसलिए अलग से इसको नाम हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बोलो हाँ ना। अब वापस या जो बैक टू रिकॉल करते हैं कि हमने सीखा क्या, जब हम लोगों ने मेंडली पीरियोडिक टेबल देखा था, मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जो पीरियोडिक फंक्शन थी वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट पे, लेकिन मोस्ली ने एक एक्सरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें बताया कि जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे, इतनी बात समझ में आ गई। फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल पीरियड कितने हैं, 7, ग्रुप कितने हैं 18, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जितने भी एलिमेंट है उसको हमने टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, कौन कौन सा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये जो मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किस बेसिस पे किया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वही उसका क्या होगा, ब्लॉक एलिमेंट, तो जो हम लोग ब्लॉक में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वही लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, और जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा वही उसका क्या होगा, ब्लॉक एलिमेंट होगा, इतनी बात समझ में आ गई। जो एस ब्लॉक है वैसे भी सुनते रहो, ये कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रीमली लेफ्ट में प्रेजेंट है, बोलो है ना, जिसमें दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब कितने ग्रुप हो सकते हैं, तो किसी भी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ग्रुप बनाएंगे, बोलो है ना। अब एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो, तो एस ब्लॉक में दो ही हो सकते हैं, या तो S1 या S2 हो सकता है। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6, देख के तो कितने, 6, कौन कौन से, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, तो P को टोटल 6 ग्रुप भी चाहिए, बोलो भाई ना। अब ध्यान से देख लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
पी के टोटल छः होते हैं। छः ब्लॉक ग्रुप इसलिए मिले पी ब्लॉक में क्योंकि पी का डिफरेंट छः कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब इस एलिमेंट में किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख तुमको मिलेगा P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। कहाँ से कहाँ? D1 से लेकर के D10 तक। तो ये जो स्कैंडियम से लेकर के तुमको जिंक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखो, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। हाँ, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे आ रहा था बोलो, है ना? F में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 14। तो देखो लेंथनाइड में भी टोटल 14 एलिमेंट होंगे। कहाँ से कहाँ? सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक, ये C है, सीरियम से लेकर के LU, ल्यूटेटियम तक, और एक्टिनाइड थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक। अब की बात अगर एटॉमिक नंबर की बात कर दो, एटॉमिक नंबर की बात, तो सीरियम कितना है? 58। तो कहां तक बेटा? 71। 14 ही एलिमेंट होंगे ना। और इसकी बात कर लोगे तो ये कहां है? 92 103। बोलो भाई ना, तो लेंथनाइड सीरीज स्टार्टिंग होती है 58 से कहाँ तक? 71 से। और एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होती है 90 से 103। एलिमेंट देखोगे तो सीरियम 2 ल्यूटेटियम, थोरियम 2 लोरेंसियम। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहते हैं जो लॉन्ग, अब इसी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल, या इसी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पक्की बात बेटा? अब इसमें देख लो तुम, अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका बेस एटॉमिक नंबर वाला किसने दिया था? मोसले ने। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। कौन कौन से? बोर्स, बेरी, रेंज एंड वार्नर। कौन कौन से? बोर, बड़ी, रेंज एंड वार्नर, इन चारों का कंट्रीब्यूशन है जिसमें ये पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। किस पे? तो बोर्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन पे। पक्की बात याद है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने दिया था, और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या है बेटा? बेस्ड। पक्की बात? ये लाइन लिखा भी है, इट इज बोर्स बेस्ड एंड बोर्स बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको प्रपोज किसने किया था? तो इसको प्रपोज किया था किसने? रेंज एंड वार्नर ने। बोलो भाई ना, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किसने किया था? रेंज एंड वार्नर ने। बेस्ट किस पे है? बोर्स बड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। बोलो हाँ है ना। इसमें टोटल कितने पीरियड है? 7। ग्रुप कितने? 18। और उस ग्रुप 18 को 1 से लेकर के 18 तक, ये मैंने कहा था। पक्की बात? किसने सजेस्ट किया था? IUPAC ने। क्लियर? अब तुमको याद ही हो गया हो कि मॉडर्न पीरियड टेबल में हो क्या रहा है। फिर अगर मैं नेक्स्ट तुमको बताऊं कि अब जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, अगर मैं इसके मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से कंपेयर कर दूं, किससे कंपेयर कर दूं? मेंडलीफ। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे, पीरियड 7 है। कितने थे? 8। अभी कितने हैं? 18। अब ध्यान से देखना, मेंडलीफ के जो टोटल 8 ग्रुप थे उसको उन्होंने क्या किया? 1 to 7 को ए में किया, 1 to 7 को किस में किया था? बी में किया था। वही क्या था ना, 1 to 7 का ए लिया था, 1 to 7 का क्या लिया था? बी लिया था। अब ध्यान से देखना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से समझना, यही था ना। अब 1 to 7 का ये क्या है? ए और बी दोनों हो सकता है। चलो तुमको कंफ्यूजन है तो मैं तुमको समझाता हूँ, एक लाइन रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 to 7 का ए और बी दोनों होगा। तो इसको चलो मैं यहां लिखता हूं, 1A 2A, सही है ना? 3A 4A 5A 6 थे, समझ में आ रहा है? 7 थे। बोलो तो इसका बी भी होगा? अरे बोलना है ना बेटा, बी बोल रहा हूँ, बी भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है?
इसका क्या होगा, 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7th भी है, हो गया। अब मैंने कहा था 7th में, अब ये 8 जो है, अब इसका बी 3 होगा, इसके 3 बी ग्रुप होते हैं, कल ही पढ़ाया था तुमको। और एलिमेंट कितने होंगे, 9 एलिमेंट। और इसका जब ए देखोगे तो ए इसका एक ही होता है, 8a, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप, एकदम माइंड में पहले बैठाओ। अब तुम थोड़ा रिकॉल कर लो कि टोटल 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो मैंने तुमसे कहा था Fe, CO, निकेल, यही कहा था ना, पक्की बात, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन रहेगा, आयरलैंड, फेरस, रुथमियम एंड ऑस्मियम, यही 3 ग्रुप थे, पक्की बात, ये था ना। अब इसमें टोटल ग्रुप काउंट कर लो, टोटल 18 ग्रुप तुमको मिलेंगे, ध्यान से देखना। 1 to 7 का ए तो 7 हो गए, 1 to 7 का बी तो 7 और 7 14, 3 ग्रुप है यहाँ, 14 और 3 17, और ये क्या होगा 18। अब इस ग्रुप को मैं अगर 1 to 18 का नाम दे दूँ, ध्यान से देखना, अगर इस ग्रुप को मैं नाम देना चाहूँ 1 to 18 ग्रुप के लिए, ध्यान से देखना, तो क्या नाम दे सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखना, ये स्टार्ट कैसे होता है, ध्यान से देखना, ये स्टार्ट होता है 1a से, कहाँ से स्टार्ट होगा ये, 1A. ध्यान से देखना, ये स्टार्ट होगा यहाँ से, ध्यान से देखना, 1A 2A A के साथ B चलता है, B के साथ A चलता है, फिर आ जाएगा ये 3B 4B 5B 6B 7B, अब 8B में 3 ग्रुप आएंगे, पक्की बात। अब ध्यान से देखना, इसका अगर ग्रुप नंबर तुम लिखोगे तो यह आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब ध्यान से देखना 8, 9 एंड 10th, ये जो 3 ग्रुप है, बोलो हाय ना। फिर यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 के बाद क्या आ जाएगा, 8B के बाद, ना सर, 1B 2B, फिर यहाँ से क्या चलेगा 3A 4A 5A 6A 7A एंड 8। बोलो भाई ना, अब देखो 8, 9, 10 यहाँ तक चला गया था, तो ये ग्रुप नंबर क्या होगा, 11, 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यही तो मैं तुमको कल से समझा रहा था। तो स्टार्टिंग क्या, ध्यान से, अब अगर इसको मैं नाम दे दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको नाम दूँ तो ये जो ग्रुप नंबर 1A and 2A है, या 1 and 2 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। बोलो भाई ना, ये जो ग्रुप नंबर यहां से यहां तक है, ये क्या है तुम्हारा, और ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 है, तो क्या मतलब, पी ब्लॉक। अब ध्यान से देखना, तुमको यही एक ट्रिक बता देता हूं, 3A, थर्ड ए में, तो अगर ये जो 1, 2, 3 है ए, उसको अगर 1 to 18 मिलाओगे तो 10 ऐड कर दोगे, तो कभी भी पी ब्लॉक का अगर ग्रुप नंबर तुमको लिखना है, ध्यान से देखना बेटा,
इस 3a को इस 13 में लाना है, तो 10 प्लस करोगे या नहीं करोगे? हाँ। बोलो भाई ना। हाँ। इसके लिए करना पड़ेगा क्या? नहीं, 1a 1b, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फाइव ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, ये तीनों किस में आ जाएगा? 8, 9, 10, 8 में 11, 1, 12, 2। यहाँ से जो नंबर 10 प्लस जैसे ही होता है ना, तो उसके लास्ट नंबर को लोगे। देखो ये 11 है ना, तो 11 में 10 प्लस 1, देखो 1, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। बोलो है ना। तो जैसे ही अगर 10 प्लस करे, तो 10 प्लस जो लोगे, 10 प्लस का जो नंबर होगा वही ए और बी की क्या होगी? वैल्यू होगी। क्या तुमको समझ में आया? पक्की बात? ये यही लिखा भी हुआ था, ध्यान से देख ले। अब यहाँ देख, 1a एंड 1b, फिर क्या आया? 3b 4b 5b 6b 7b। 8 में 3 ग्रुप आएगा, कौन कौन से? 8, 9 एंड 10। बोलो भाई ना। फिर क्या आ गया? 1b 2b, और ये जो ग्रीन कलर से जितने लिखा है वो कौन से होंगे? डी ब्लॉक। फिर वापस से 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये क्या हो गए? डी ब्लॉक। 8 से 18 ग्रुप कैसे ले? मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे आया होगा। क्लियर है? फिर आ जाता है, अगर कोई एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे ये बात मैं तुमको यहाँ भी समझा देता हूँ, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको इसमें समझ आ जाएगा। जैसे अगर तुम देखो, कोई भी एलिमेंट लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, सबके केस में देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 आएगा, सोडियम का 3s1 आएगा, पोटेशियम का 4s1 आएगा, रुबिडियम का 5s1 आएगा, सीजियम का 6s1 आएगा, फ्रांसियम का 7s1 आएगा। एक ग्रुप में हमेशा किसी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई दे शो सेम प्रॉपर्टी। बोलो हाँ कि ना। क्या समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा है? अब ध्यान से देखना, पहले तुम यहीं से आना है। इस पीरियोडिक टेबल में देखो, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है? पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है? देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम ही है, तो पहले पीरियड में सिर्फ एस है। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, पहले पीरियड में सिर्फ एस। दूसरे पीरियड में देखो एस और पी है। अरे पहले में देखो ना, पहले मैं जो बोला वो देख, पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और क्या है? हीलियम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s1 2s1, गलत, 1s1 1s2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दूसरे पीरियड में देख, लिथियम और बेरिलियम है और बोरोन से लेकर के नियत तक है, तो एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है। बोलो भाई ना। तीसरे पीरियड में देख, सोडियम एंड मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, एस एंड पी ब्लॉक है। तो पहले पीरियड में सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, दूसरे पीरियड में एस और पी दोनों आते हैं, तीसरे में एस और पी दोनों आते हैं। बोलो भाई ना। तीसरे में एस डी एन पी, तीन आ गए। चौथे में एस डी एन पी आ गए। पांचवे में एस डी एफ एन पी, और सातवे में एस डी एफ एन पी। बोलो है ना। लेकिन सातवें पीरियड में देखो, अभी भी कुछ एम्प्टी स्पेस तुमको दिख रहा होगा, तो सेवेंथ पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट है। सेवेंथ पीरियड क्या है? अभी भी इनकम्प्लीट है। बोलो भाई ना। तो सबसे कम एलिमेंट किस पीरियड में है? देखो पहले में दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस पीरियड में अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले पीरियड में कितने हैं? दो। दूसरे में देखो कितने हैं? दो एस के और 6 पी के, तो कितने हो गए? 8। तीसरे में देखो कितने हैं? 8। बोलो है ना। चौथे में देखो एस के 2, डी के 10 और पी के 6, कितने हो गए? 18। पांचवे में देखो वापस से एस के 2, डी के 10 एंड पी के 6, कितने हो गए? 18। छठे में देख लो एस के 2, डी के 10, एफ के 14 एंड पी के 6, कितने हो गए? 32। बोलो है ना। और ये जो सेवेंथ अभी भी, इसको मैं क्या ले लूं? इनकम्प्लीट। बोलो भाई ना। तो ये जो मैं नंबर लिखा 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड। बोलो हाँ ना। चलो अगर तुम ये समझ गए तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है?
पीरियड जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बोलो हाँ कि ना। इस पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट टू, अभी तो तुमको बताया। सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट एट, थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट एट, फोर्थ में नंबर ऑफ एलिमेंट एटीन, फिफ्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटीन, सिक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। और इसमें भी इसको मैं इनकम्प्लीट लिख देता हूँ, मान लो क्योंकि अभी भी कुछ एलिमेंट इसके डिस्कवर नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादातर पते नहीं है। तो हम लोगों को पढ़ना कितना है, टोटल सिक्स पीरियड तक पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सिक्स, सेवन्थ को अभी भी क्या लेते हैं, इनकम्प्लीट। अब ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट पीरियड है स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मैं लिख देता हूँ इधर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब ध्यान से देखना, इधर कहाँ से खत्म हुआ था? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। और यहाँ पे सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट अभी भी इनकम्प्लीट है, तो उसको मैं इनकम्प्लीट लिखता हूँ। बोलो भाई ना। अब इसमें से तुमको किसी एक का एटॉमिक नंबर तो आता होगा, आता होगा? हाइड्रोजन का आता है या हीलियम का आता है? हाइड्रोजन मुझे लगता है हर एक बच्चों को आता होगा, बोलो भाई ना। तो चलो, हाइड्रोजन का कितना हो गया? अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है ना, वो क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल? यही था ना, टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू, यही ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक, यही ना। इस नंबर को आज से हम लोग मैजिक नंबर लेते हैं। क्या है ये? बोलो हाय ना। तो पहला एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पीरियड का? वन से। तो उसमें कितने एलिमेंट जाएंगे? दो, पक्की बात। तो जो दो ऐड कर दो तभी तो पीरियड टू स्टार्ट होगा ना। पीरियड वन में कितने एलिमेंट जाएंगे? ध्यान से देखना, दो। तो पीरियड टू कहाँ से स्टार्ट होगा? तीसरा एलिमेंट से। तो वन में टू ऐड कर दो तो कितना हो गया? बोलो भाई ना। अब चौथा एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? एट ऐड करना पड़ेगा, थ्री और एट एलेवन, एलेवन और एट नाइनटीन, नाइनटीन में एटीन ऐड कर दो थर्टी सेवन, थर्टी सेवन में एटीन ऐड करो फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव में थर्टी टू ऐड कर दो। अगर तुमको किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी में उस मैजिक नंबर को डालो, तुमको सब का ऐड हो जाएगा। क्योंकि सेकेंड पीरियड तभी स्टार्ट होगा ना जब फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट कहाँ कंप्लीट होगा? दो एलिमेंट से। तो वन में टू ऐड कर दो तो थर्ड स्टार्ट होगा थ्री से। अब ये थर्ड पीरियड एलेवन कब स्टार्ट होगा? जब सेकेंड फिल होगा। तो सेकेंड में कितने एलिमेंट? एट। तो थ्री और एट कितना हो गया? एलेवन। तो टेन खत्म होगा तभी तो एलेवन से स्टार्ट होगा ना। बोलो है ना। थर्ड में कितना जाएगा? एट। तो एलेवन में एट एट जाओगे तो कितना हो जाएगा? तो एटीन पे खत्म होगा तभी तो ये नाइनटीन आएगा। बोलो है ना। यानी तो लास्ट का देख लो, अगर आप लास्ट का देखते हो तो इसका कितना होता है? टू। तो फिर नेक्स्ट में एट एलिमेंट जाएंगे तो टू और एट टेन, टेन और एट एटीन और एटीन थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और एटीन फिफ्टी फोर और एटीन एटी सिक्स। बोलो है ना, सही तो किया ना, पक्की बात। अब ध्यान से देख, कहाँ पे बेटा? 54%। बेटा फिर से चेक कर लो, कंफ्यूज मत होना। हीलियम का कितना? टू। टू में क्या ऐड करोगे? एट। तो कितना हो गया? टेन। टेन में क्या ऐड करोगे? एट। कितना हो गया? एटीन। एटीन में क्या ऐड करोगे? एटीन। कितना? थर्टी सिक्स। थर्टी सिक्स में एटीन फिफ्टी फोर, फिफ्टी टू में थर्टी टू एटी सिक्स। पक्की बात। अब ध्यान से देखना, पहला पीरियड जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दो थे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हाइड्रोजन से। खत्म कहाँ होंगे? हीलियम पे। तो ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन से हीलियम तक होता है, और चूंकि सबसे कम एलिमेंट इसी में है इसलिए इस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट। दूसरा पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? लिथियम। खत्म कहाँ होगा? नियन। तो देखो, लिथियम टू नियन है। तीसरा कहाँ से? सोडियम। सोडियम से कहाँ? आर्गन। तो देखो, सोडियम टू आर्गन है। बोलो ना, है ना। नेक्स्ट देख लो, पोटासियम। पोटासियम से कहाँ? क्रिप्टन। अरे नाम बोल देता हूँ ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। इधर देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? पोटासियम से क्रिप्टन। फिर फिफ्थ कहाँ से स्टार्ट होगा? रुबिडियम टू
जेनॉन, बोलो है ना, फिर सीजीएम से रेडॉन, बोलो है ना, और सेवेंथ अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। चूंकि पहले पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट दो ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड, क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर कितने एलिमेंट है, एट, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड, 18 वाले को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, एंड 32 वाले को क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड, बोलो हाँ है ना। और मैं इससे जो अपना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल है क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू याद है तो तुम किसी भी पीरियड में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो बेटा, पता कर सकते हो, बोलो हाँ है ना। यही समरी था कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट है और कहाँ से एलिमेंट होते हैं। तो पहला पीरियड कहाँ से कहाँ तक, तुम कहोगे हाइड्रोजन से हीलियम, दूसरा पीरियड लिथियम टू नियॉन, तीसरा पीरियड सोडियम टू आर्गन, चौथा पीरियड क्रिप्टॉन, पांचवा पीरियड रुबिडियम टू ज़ेनॉन, छठा पीरियड सीजियम टू रेडॉन, पक्की बात, और सेवेंथ को अभी भी हम इनकम्प्लीट लेके चलते हैं। अब ध्यान से रिकॉल करना, अब जो मैं तुमको रिकॉल करने के लिए बोलता हूँ उसको बड़े ध्यान और पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करना, मैं तुमको क्या रिकॉल करने के लिए कह रहा हूँ। पहले पीरियड में सिर्फ ऐसे दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो उसके लिए ऐसे ही चलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वही 1s चलेगा ना। दूसरे पीरियड में s और p है तो 2s एंड 2p चलेगा। तीसरे में भी s p d तीनों होते हैं, d सबसे पहले आया था थर्ड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है फोर्थ से, बोलो ना है ना। तो सेकेंड पीरियड में जितने एलिमेंट होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s 2p, यही होगा ना, ध्यान से देखो यही है 2s 2p। तीसरे पीरियड में जितने एलिमेंट होगा, तीसरे में दो ही है ना s और p, तो क्या चलेगा 3s 3p, बोलो भाई ना। लेकिन चौथे पीरियड से क्या जाएगा, d, लेकिन कौन सा d आएगा, 3d या 4d, 3d, मतलब अगर पीरियड 4 चल रहा है तो d उससे कम चलेगा। पीरियड 4 का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4, पीरियड 4 का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4, तो हमेशा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है डी हमेशा उससे एक नीचे चलता है, बोलो हाँ ना। अब देखो यहाँ पे पीरियड कितना है 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देख बेटा कितना होगा 1, बोलो हाँ ना। तो s जो है, s ऑर्बिटल हमेशा किसको लेके चलता है, तुम कहोगे nth को लेके चलता है, मतलब ऑर्बिट 1 है तो s भी 1s का चलेगा। p भी किसको लेके चलता है, p ऑर्बिटल किसको लेके चलेगा, तो ये भी हमेशा nth को लेके चलेगा। देखो पीरियड कितना है सेकेंड, तो s और p दोनों सेकेंड का चल रहा है। पीरियड कितना है थर्ड, तो s और p दोनों हमेशा किसका लेके चला है, थर्ड, तो s और p हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को लेके चलता है। लेकिन अगर d की बात करोगे तो d हमेशा किसको लेके चलेगा, आउटर मोस्ट से एक कम को लेके चलेगा। देखो पीरियड कितना है 4, तो d कौन सा चल रहा है, 3d, बोलो हाँ ना। तो फोर्थ पीरियड में क्या चलेगा, 4s और 4p के बीच में क्या आ जाएगा, 3d, इसे तो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। फिफ्थ पीरियड में क्या चलेगा, 5s 5p, तो 4d आ जाएगा। हमेशा जो आउटर मोस्ट होगा s का जो n की वैल्यू होगी ना, d की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी। देखो 4s है तो 3d चल रहा है, n-1 है ना, 5s है तो क्या चल रहा है, 4d चल रहा है, बोलो है ना। लेकिन सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में f आएगा, तो देखो पीरियड क्या चल रहा है, 6, तो f कौन सा चल रहा है, 6 से 2 कम, बोलो है ना। तो f हमेशा किससे चलता है, n-2 से, बोलो हाँ ना। सिक्स में क्या चलेगा, ध्यान से देखना, 6s और लास्ट में क्या आ जाएगा, 6p, उसके बीच में 5 का d होगा एंड 4 का क्या होगा, f, देखो 4f एंड 5d। सेवेंथ की बात करोगे तो 7s होगा, तो 7 से 2 कम, 5f, 6d एंड 5p। अब हमेशा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, s और p हमेशा n को लेके चलेगा, तो d n-1 को, f n-2 को, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो d क्या चलेगा, 3, n की वैल्यू अगर 5 है तो d क्या चलेगा, 4, n की वैल्यू 6 है तो d क्या चलेगा, 5, n की वैल्यू 6 है तो d कौन सा चलेगा, 5, लेकिन f 4 चलेगा, बोलो भाई ना। तो d सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 3 से, तो देखो 3 के तीन ही सीरीज आते हैं, ध्यान से देखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 3d 4d 5d एंड 6d, तो d के टोटल चार ही सीरीज चलते हैं। अगली क्लास में आपको यही याद रखना है।
एस हमेशा वन से लेकर सेवन तक चलता है, बोलो भाई ना, पी हमेशा टू से लेकर के सेवन तक चलता है, डी थ्री डी फोर डी फाइव डी एंड सिक्स डी, और एफ के दो ही सीरीज होते हैं, कौन कौन से, फोर एफ एंड, तो मैं इसको स्क्वायर से दिखा देता हूँ, बोलो हाई ना, फोर एफ सीरीज को बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज एंड फाइव एफ सीरीज को क्या बोलते हैं एक्टिनाइट, पक्की बात, एफ हमेशा एन से दो कम चलेगा और डी हमेशा एन से एक कम चलेगा, बोलो हाई ना। अगर nth ऑर्बिट को तुम आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेते हो, ध्यान से देखना, अगर nth को तुम क्या लेते हो, ध्यान से देखना बेटा, अगर nth को तुम क्या ले लिए, आउटर मोस्ट, किसको आउटर मोस्ट लिए, nth को, तो n माइनस वन को हम लोग बोलते हैं पेनल्टी मेट सेल, क्या बोलते हैं, अब नाम से घबराना मत, तो n माइनस टू को बोलते हैं एंटी पेनल्टी मेट सेल, क्या बोलते हैं, माइंड में इतना ही याद रख, एस और पी हमेशा किसको पकड़ के चलते हैं, एन को, डी एन माइनस वन को, एफ एन माइनस टू को, एस हमेशा एक से लेकर सात तक चलेगा, पी टू से लेकर सेवन तक, डी थ्री से लेकर के थ्री डी फोर डी फाइव डी एंड सिक्स डी, डी के टोटल चार ही सीरीज होते हैं, लेकिन थ्री डी किस पीरियड में चलेगा, फोर्थ पीरियड में, फोर डी किस में चलेगा, फाइव, फाइव डी किस में चलेगा, सिक्स, सेवन डी, सिक्स डी किस में चलेगा, सेवन, लेकिन f हमेशा दो ही होते हैं, कौन सा, 4f एफ एंड फाइव एफ, अगर 4f है तो n की वैल्यू क्या चलेगी, दो आगे 6, अगर 5f है तो n की वैल्यू क्या चलेगी, 7, 4f सीरीज को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट, एंड 5f सीरीज को क्या बोलेंगे, एक्टिनाइट, बोलो भाई ना, तो s के टोटल सात सीरीज चलेंगे, p के टोटल छः चलेंगे, d के टोटल चार चलेंगे, f के टोटल पाँच चलेंगे, बोलो भाई ना, f के दो ही चलेंगे ना बेटा, 4f एंड 5f, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एफ की यही चलेगा ना बेटा, फोर एफ एंड फाइव एफ, पक्की बात, और किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर, निकाल के दिया था ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट वही क्या होगा, ग्रुप नंबर, और अगर पीरियड नंबर निकालोगे तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो उसमें एन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसकी मैक्सिमम वैल्यू, एन की, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही उसका क्या होता है, पीरियड नंबर होता है, यहीं से तुम ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हो, यही दो लाइन लिखा भी हुआ है, जो पीरियड नंबर क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट जो सेल होगा उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबसे मैक्सिमम एन की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, पीरियड नंबर होगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लिख लो, और जो उस पीरियड, जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा, उसका पीरियड नंबर होगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या बोलेंगे, ग्रुप नंबर। अब जैसे मान लो किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 5s और 5p दोनों आ रहा है, ऐसे हो सकता है 5s2 5p3, तो 5s एंड 5p दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना और उसी से आपको क्या निकल जाएगा, ग्रुप नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको पीरियड नंबर निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, ग्रुप नंबर। समझ में आया, तो एक आपको बेसिक समझ में आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि कैसे ग्रुप नंबर निकालते हैं, कैसे पीरियड नंबर निकालते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ठीक है।